एक चीज़ कहूँ कि ये जो गलत फहमी है कि नेक्टा शायद वो ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल नेक्टा इज सिंपली ए सर्च इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च करके सारे एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करती है और फिर उसके बाद आगे कन्वे करती है। लेकिन हर चीज़ नेक्टा पर नहीं की जानी चाहिए। कानून है जो आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें 11 ABCE है, उसके तहत प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ आप प्रोस्क्राइब इन बैन कर सकते हैं, उनके अकाउंट रोक सकते हैं, उनका पासपोर्ट फोरफीट कर सकते हैं, लेकिन उनका केस रजिस्टर नहीं होगा। तो कॉग्निटिव इन रियल सेंस नहीं होगा। रात को भी मैंने बहुत ही चैनल्स पर यही कहा कि इसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस होनी चाहिए वायलेशन के लिए। एक अच्छा स्टेप है जो हुकूमत ने किया, अल्लाह करे वो चलता रहे। लेकिन अगर आप प्रेस स्टेटमेंट भी देखें तो उसमें वही कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो हम छोड़ दें। तो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को सही कंट्रोल करने के लिए हमें कानून में चेंज करनी चाहिए, और हो सकता है इसमें कोई कानून प्रपोज करूँ माई एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कॉस्मेटिक करेंगे, अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करेंगे, तो उसका एक अपना कानून है और नॉर्मली कोर्ट्स उसको इनकर्ज नहीं करते, तो अल्टीमेटली का डिबेल हो जाएगी। तो जो रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। जबकि हमने एक्शन शुरू किया है और हम रीडिंग आउट कर रहे हैं सारी जहाजी से, हमें सही तरीके से करनी चाहिए। लेकिन ये भी दिया हुआ तोहफा तो बेस्ट का ही हमें, ये मशरूम ग्रोथ जो है वो सारी उसी के बाद हुई है और आपके सामने वो ग्रोथ हुई है, किस तरह वो ग्रोथ हुई है वो भी आपको पता है। तो मैं इस होल सिचुएशन में हमें प्रैग्मेटिकली चलते हुए कानून को बेहतर बनाना चाहिए। सेकुलर तो जो अगर आप इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो एक सेकुलर स्टेट लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हालात लग रहे हैं, हिंदुस्तान जो है एक हिंदू तालिबान की स्टेट बन रही है। क्योंकि RSS को मैंने बहुत पहले नाम दिया था आज से 8 साल पहले कि हिंदू एक्सट्रीमिज़म इंडिया में बहुत बढ़ेगी। आज आपने देखा वो बढ़ी है, और जिस अंदाज से RSS जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है पूरी सोसाइटी में, जिस तरह वो होल्ड कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसमें जो उनकी कानून है उसमें मिनॉरिटीज़ का तहफ़ नहीं है, और जो RSS चाहता है वो RSS कर रहा है। एंड आई होप इन द गिवन सिचुएशन वो कानून में तरमीम लाएँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो होते हैं मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ऐसा ही कोई कानून होगा, बल्कि वो ऐसा कानून लाएगा जिसमें RSS जो है वो एक डिफरेंट अंदाज से सामने आएगी। और मेरा ख्याल जो पहले भी मैंने कहा और आज भी कहा कि वो एक RSS जो उसको हिंदू से भी बढ़ के अखंड भारत बनाना चाहती है, और अखंड भारत बनाने का एक उनका पुराना प्रोग्राम है। और अगर ये उन्होंने किया तो इसे इस खत्ते में जो मैं देख रहा हूँ कि RSS की एक किंगशिप होगी, इसका अनक्राउंड किंग मुझे लग रहा है मोदी होगा। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म हम पहले भी हमारी हुकूमत ने भी की कोशिश, लेकिन वो जो एक्शन होते हैं उसमें कानून इतना सख्त नहीं है। उस कानून को बेहतर करने के लिए जो इसके एक्ट में तरमीम है 11 EBC में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसके खिलाफ कॉग्निजेंस इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस और मिनिमम पनिशमेंट भी 14 ईयर्स। थैंक यू। देखिए ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इशू है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। एक चीज़ तो ये तय है कि कोई भी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ स्टेप होता है हमारी आवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और हमारी रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है। लिहाजा इस कदम को जो भी हुकूमत ने उठाया है कि वो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मैं उसको फुली अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक एक्शन है परमानेंट, एक है कॉस्मेटिक। मुझे ये कॉस्मेटिक ज़्यादा है, इसलिए कि जो आप एक्शन ले रहे हैं उसमें तो आपके पास कॉग्निस लेने की इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि कानून में आप केस रजिस्टर करके उनको कोई स्ट्रिंजेंट किस्म की पनिशमेंट नहीं दिला सकते। लिहाजा 11 BC में चेंज आनी चाहिए, और चेंज उसमें ये होनी चाहिए कि जो ये ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, सिर्फ परवाना दे कि उनको ये कहें कि आप प्रिस्क्राइब हो गए और आप बाहर नहीं जा सकते हो, इट विल नॉट वर्क। तो आई होप कि हम एक क्वालिटेटिव चेंज लाते हुए आने वाले वक्त में भी इंश्योर करेंगे कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना हो। रही बात जो कश्मीर का मसला है, उसकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हम शायद उसको
कुछ लोग पसे पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मसले को हल किए बगैर मैं नहीं समझता इस खत्ते में अमन होगा। पुलवामा जो हुआ है वो भी आपने देख लिया, और अगर कोई यह कि पुलवामा में इंडिया का या किसी और पाकिस्तान के अलावा किसी और एजेंसी का रोल नहीं है तो मैं उसको नहीं बाई करता हूँ एज ए फॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और ये इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको पता चलेगा कि जो मैंने पहले दिन कहा था, जो मैंने थीम दी थी वो थीम वही है, मेरी आज भी वही थीम है कि इसमें इंडियन खुद भी इन्वॉल्व है। और ये एक क्रिएट किया गया था जस्ट टू क्रिएट अ ब्रांड फॉर इलेक्शन ऑफ मोदी, जैसे ब्रांड होता है ना एक, वो ब्रांड उन्होंने एंटी पाकिस्तान वार सिंड्रोम बनाते हुए उसका फ़ायदा लेने के लिए उन्हें बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि वो ब्रांड जो इन्होंने बनाया मोदी साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये एक्शन ठीक हुआ और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि एक जो इमेज हमारा बैसीत एक कंट्री के शायद हम एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करते हैं उसके खात्मे में हमारी मदद होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्शन परमानेंट है या कॉस्मेटिक है। मैं जो देख रहा हूँ ये मुझे कॉस्मेटिक लग रहा है, क्योंकि जिस कानून के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं 11 PCED के तहत, वो कानून में कॉग्निस जो है उसमें सज़ा नहीं है। तो जब तक आप सज़ा का एलिमेंट नहीं डालेंगे, और अगर वो वायलेटर है उसको पता होगा कि ये केस रजिस्ट्रेशन के बाद मैं जेल जाऊंगा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस कर रहा हूँ, 14 साल सज़ा होगी, तो वो नहीं है। तो आई होप कि हम एक क्वालिटेटिव चेंज लाएँ, और वो क्वालिटेटिव चेंज हमारी आनी चाहिए कि हम कानून में जो थोड़ी कोताहियाँ हैं शिकम है उसको दें। आपने मुस्कुरा के कहा क्योंकि मैं भी उसका मेम्बर हूँ, मैंने हेड की थी वो कमेटी इलेक्शन में, दांदली की बात कर रही हैं आप, ठीक है। तो मैंने 3/4 इन्वेस्टिगेट कर दिया था, जो पोर्शन अभी आना था कि मैंने पार्टीज़ को बुला के एविडेंस लेनी थी, तो फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई जिसका मैं भी मेंबर हूँ। वो पिछले महीने मीटिंग हुई थी और तय हुआ था कि पिछले ही महीने की 27 या 26 को हमारी मीटिंग होगी, लेकिन नहीं हुई। और आपस में मेंबर बात करते रहते हैं कि शायद किसी चेयरमैन साहब का ख्याल आ जाए कटक साहब को और वो मीटिंग कर लें फिर आगे। नहीं, अपोजिशन का इंटरेस्ट है, देखिए जो कोई भी कमेटी हो उसका इजलास जो है वो अपोजिशन नहीं बुलाती, वो चेयरमैन बुलाता है। अगर चेयरमैन बुलाए और अपोजिशन ना जाए फिर मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन अगर वो इजलास ही नहीं बात बुलाते तो फोर्स तो नहीं किया जा सकता। तो मैं आपकी वसासत से खटे साहब को कहता हूँ जल्दी बनाएं, ये तो इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है, तो ये फिर मेन इल्ज़ाम फिर आप पे जाएगा। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी कार्रवाई है, गैर कानूनी काम करने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन स्टेट को करना चाहिए, बहुत पहले कर देना चाहिए। लेकिन देखना ये कि क्या ये एक्शन कॉस्मेटिक है या एक्शन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है, मुझे ये कॉस्मेटिक लगता है। क्योंकि कानून जो है 11 BCED जो इसको डील करता है उसमें इसकी कॉग्निस प्रॉपरली नहीं है, यानी केस रजिस्टर नहीं होता। तो जब जिस केस में केस रजिस्टर ना हो, ऑफेंस नॉन कॉग हो, उसमें फिर यही होता है 2-4 महीने के बाद 1 महीने के बाद बेल मिल जाती है कोर्ट से, दोबारा वही काम शुरू करता है। ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल ले लेते हैं, आई थिंक हाउ कैन द गवर्नमेंट कैन टेल अदर्स नॉट टू वायलेट व्हेन दे आर वायलेटिंग देमसेल्व्स, विल टेक दैट। देखिए मेरे ख्याल से तो कोई भी गैर कानूनी चीज़ जो होती है वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती है लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर ये एक्शन विद फुल सिंसियरिटी हो, और देखना ये कि ये एक्शन जो हुआ है ये कॉस्मेटिक है या ये परमानेंट बेस्ड है, और अगर परमानेंट बेस्ड है तो देखना ये है कि कौन से लॉ के तहत है। तो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को जिसे आप बैन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये तकरीबन 2002 से शुरू हुई बैनिंग, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई नाम से शुरू कर देती है। उसकी वजह ये है कि कानून जो है वो बड़ा ही नरम है, कॉग्निस नहीं देती जो ले नहीं सकती, क्योंकि इसमें केस रजिस्टर नहीं होता और ना ही इस पे कोई स्ट्रिंजेंट किस्म की पनिशमेंट है। तो अगर वाकई हम लोग सिंसियर हैं सारे यहाँ जो बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन और हुकूमत, जो कानून लेके आए जिसमें किसी भी कोई भी जो प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है उसका फर्ज या कोई ग्रुप उसको वायलेट करता है उसे सजा 14 साल रखे कोई नहीं करेगा। मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान बेचारा बना,
बड़ा खूबसूरत सजावट के साथ सामने आया, लेकिन वो बहुत अच्छा एक कॉस्मेटिकली सामने चीज़ आई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और अमल दरामद नहीं हुआ तो आज उसकी वजह ये थी कि हमें जब भी कोई लेफ्ट राइट से प्रेशर आता है या हम अंदर से प्रेशर फील करते हैं या अवामी प्रेशर आता है तो हम थोड़ा काम कर लेते हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ, सॉरी बीइंग ए लॉ एनफोर्सर और 3-5 साल इंटीरियर मिनिस्टर और फिर लॉ एनफोर्सर रहने के सीए से मैं कह दूँगा कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कॉस्मेटिक है। इसका जो इफेक्ट है परमानेंट नहीं होगा जब तक आप कानून में चेंज नहीं लाते। 11BCE को चेंज करके उसको कॉग्निजेबल कर दें तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ काउंट्स बंद करने से और पासपोर्ट छीनने से कभी भी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन आपके काबू में नहीं आएगा। बेसिकली जो हमारे वक्त हुआ था, आपको पता है कि मैंने तो बहुत सारियों को बैन किया था। TTP जो कभी पहले बैन नहीं थे मैंने किया, उसका नाम जालमान दिया। इस तरह सैकड़ों हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, कुछ बैन हुई, कुछ वॉच आई। जो पिछली गवर्नमेंट आई तो उसमें सारी कौम मुतफिक हुई इन द फॉर्म ऑफ APC ऑन नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान बना, 21 पॉइंट बने, उस पर अमल दरामद होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद ना हुआ और आज उसकी वजह से आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन जो आपने बड़ा क्लियर किया है कि क्या वजह है कि ये एक्शन नहीं हो सकता, और हर जो एक्शन होता है थोड़े दिनों के बाद इट फॉल्स अपार्ट। मजबूत इसे कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर डील कर रहा है जो आपका एक्ट है टेररिज्म, जो आपका लॉ इसको डील करता है, वो करता है इसकी 11ABCE। ये चारों जो है ना, ये किस्म की कमज़ोर किस्म की सज़ाएं हैं। सज़ा क्या है, आपका अकाउंट बंद कर दिया। अकाउंट क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको उस इलाके से नहीं आपने निकलना, और थर्ड आपका पासपोर्ट छीन लिया यानी कन्फिस्केट कर दिया। ये कोई सज़ा नहीं है पाकिस्तान में, सज़ा ही होनी चाहिए कि इनको चेंज करके। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैंड हो जाती है, वो खुद पूरा ग्रुप, उसके बच्चे, बीवी, कोई भी रिश्तेदार, अगर कोई किसी नाम से कोई उससे मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशन खोल के वही लॉजिस्टिक इस्तेमाल करता है तो उसको कम से कम 14 साल की सज़ा दें। तो जब ये कॉग्निजेबल सेंस ऑफेंस हो जाएगा, यानी कि नॉन कॉग से कॉग्निजेबल हो जाएगा, उसका केस रजिस्टर हो जाएगा। केस रजिस्टर होगा तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो प्रॉपर ट्रायल में जाएगा। तो अगर 2-4 को सज़ा हो गई, जैसे फौज में सज़ा हुई है टेररिस्ट को, एक अच्छा डिटरेंट आया और आज देखें अमन है उस लिहाज से, तो लिहाजा ये मुझे कॉस्मेटिक लगा। अगर गवर्नमेंट ने वाकई इसको प्रॉपर करना है तो पार्लियामेंटेरियंस को फ्यूचर में इसको कंट्रोल करने के लिए गिव अ बेटर स्ट्रॉन्ग प्रैग्मेटिक टूल इन द हैंड्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है। दोबारा शुरू हुआ और ये तीसरी बार भी ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एक्शन सिर्फ कॉस्मेटिक है, पकड़ के अरेस्ट कर लेना है, कोर्ट में बेल दे देनी है, तो ना ये कोर्ट पे ब्लेम आता है ना लॉ एनफोर्सर पे आता है, क्योंकि आपके पास कानून ही नहीं है। अगर आपने प्रोस्क्राइब कर दी एक ऑर्गेनाइजेशन तो उसका 11ABCE के तहत कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं कि आपका पासपोर्ट कन्फिस्केट कर दिया, आपके अकाउंट्स रोक दिए, आपको एक मोहल्ले में कहा कि इससे बाहर नहीं निकलना, पुलिस को बता के जाना। हमारे मुल्क में ये हो सकता है, नॉट पॉसिबल। लिहाजा उन कानून, उन लॉज में, उन सेक्शन ऑफ लॉज में मैं समझता हूँ कि उसमें जी मैंने कहा ना, फ्लॉज ये है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको कॉग्निजेबल करके और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है उसको वैसे ही सज़ा उसी तरह ट्राई होनी चाहिए जैसे एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है, और टेररिस्ट के लिए 14 साल और मौत की सज़ा भी है। तो वो सारी सेक्शन जो उसमें हैं वो सिर में ऐड कर दें, तो यानी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफेंसेस हैं वो टेररिज्म के साथ लगा के उनके इन्हांस कर दें। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं, अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के करना चाहें तो कानून में चेंजेस ला सकते हैं। हम शोर भी बहुत करते हैं, हम गिले भी बहुत करते हैं, लेकिन जो हमारा अपना काम है वो नहीं करते। हमारा काम है लॉ में अमेंडमेंट लाएँ। आई होप कि मेरी ये बात सुनी जा रही है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि एक दो अगले 2-3 दिन में इसमें जो लॉ में अमेंडमेंट है मैं सेनेट में प्रपोज करूँगा। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।